हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। जीवन में दलदल खिलता है फिर भी कमल। जैसे जैसे वो इस नई दुनिया में कदम रखेगी उसके दोस्त बढ़ेंगे, उसकी जान पहचान बढ़ेगी, उसके सवाल भी बढ़ेंगे। दीदी मुझको अपने आप से जोड़कर रखने की जिम्मेदारी जो आप हर शाम उन औरतों पर जाया करते हैं, यही बात चुभती है मुझे। दीवाने परवाने मरने से डरते नहीं, देखिए मैडम हम कॉलेज की तरफ से बियर बार की औरतों के ऊपर एक रिसर्च कर रहे हैं और मुझे बताया गया है कि रमाबाई आप ही हो जो ये बार चलाती हैं। हाँ बाबा रमाबाई मैं ही हूँ, मैं ही ये बार। चेहरा एकदम से फीका पड़ गया है। I think you're not feeling well. Actually, हम जैसे लोगों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। और हम लोग इनकी मदद करने आए हैं और सौरत को देखो, मैम से कितना rudely बात कर रही है। कमल, कमल।
ये तो वक्त ही तय कर सकता है कि इज्जत बड़ी है या मजबूरी। कर रही है ये तो मोतीलाल की लड़की है। फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा हमारे कमल को। मैं खुद ही लेकर आती हूँ उसे। पागल हो गई क्या? पूरे शहर में कहाँ ढूंढेगी तू उसे? और पंग्या के छुकर गए ना, लेकर आ जाएंगे। लेकिन मेरी कमल को कुछ शब्बोपा, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा कमल को। पता है मैं भगवान से थैंक्स कह रही थी, जानती है क्यों? क्योंकि उसने मुझे एक नहीं तीन तीन मार दी है, तीन तीन मार जिन्होंने मुझे हमेशा हर बुराई से दूर रखा, कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। सच में वेरी लकी, वेरी लकी। दीदी कहीं कमल को कुछ उधर फिरना बंद कर और जाके ढूंढ के ला कमल को। आ जाएगी वो। हाँ आ जाएगी, कब से यही सुन रहा हूँ। भाई है ना इस एरिया का, गुंडे मवाली पुलिस वाले नेता सब पहचानते ना तेरे को, ते कमल को ढूंढ नहीं सकता है। चुप रहे, भाई बना फिरता है तो खुद क्यों नहीं गया कमल को ढूंढने, छोटे लोग को क्यों भेजा? अगर खुद कमल को ढूंढ नहीं सकता है ना तो बहन बरकत चूड़िया पहन ले चूड़िया। देख पंग्या, अगर मेरी कमल को कुछ हुआ ना तो कुछ नहीं होगा कमल को। आज के बाद इस गली में मैं कमल के साथ ही आऊंगा और न जिंदगी भर में तुझे शक्ल नहीं दिखाऊंगा मैं। Thank you.
कमल? बेटा कमल, चलो घर चलो, सब परेशान है। अगर मेरा कोई घर है तो आप मुझे मान लीजिए, बेटा कहाँ थी तू? बच्चे हम लोग कितने परेशान थे। तू पूछ रही थी ना, ये देख ये है तेरा घर। इतनी छोटी सी थी जो रमा तेरे को अपनी गोदी में लेके सोया करती थी। रीटा और शब्बो यहाँ नीचे जमीन पे सोते थे, मालूम है काय को? अगर तू नीचे गिरे तो तेरे को चोट लगे। तू पहचानती है ना उनको कि भूल गई? अरे दो घंटा तू नहीं आई ना तो क्या हालत हो गई इन लोगों की? तेरे अंदर जान है उन लोगों की। इतनी से इतनी बड़ी करने में इतने दुख इतने तकलीफ उठाई है उन्होंने, तेरे को क्या मालूम? अच्छे से अच्छा कपड़ा अच्छे से अच्छा खाना ला कर दिया तेरे को, जो तू बोले वो तेरे को ला कर दिया। इसी माओ को और इस घर को छोड़ के तू जाना चाहती है? बोलना बोलना रे। क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं? उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये पैसे कहां से आते हैं। हाँ क्या कर? आपने सच कहा, उन्होंने मुझे अच्छे से अच्छा खाना और कपड़े दिए और उस वक्त उन्हें पहनकर मुझे खुशी भी बहुत हुई। लेकिन अब सभी कपड़े मुझे चुभेंगे, वही एक एक वाला जिसे खाकर मेरी परवरिश हुई है, जिसे मुझे मेरी पहचान मिली। मुझे उसी पहचान पर शर्मिंदगी हो रही है मुझे। वाह क्या बात है, चार चौपड़ी पढ़ लिया ना तूने, तेरे को अपनी इस पहचान पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है? अरे अगर वो चाहती ना तो कितनी किसी बियर बार में नाच रही होती। उन्होंने ऐसा नहीं किया, खुद तो गंदगी में जीती रही लेकिन तुझे उस गंदगी से बहुत दूर रखा। अगर वो चाहती तो वो खुद भी इस गंदगी से दूर रह सकती थी। और भी तरीके होते हैं पैसे कमाने के। इधर की लाइफ में ना कोई तरीका नहीं चलता है, लाइफ चलती है बस, वो भी पैसों के पैरों पे। तेरे को क्या लगता है ये लोग सब अपने शौक से धंधे में आया? रमा रमा जानती है ना, 25-26 साल की थी जब मद्रास आई थी, उसका मर्द उसको इस धंधे में डाल के गया। सोच क्या बीती होगी उसके ऊपर। रीटा जानती है ना, 6,000 में लाकर भेज दिया गोवा से, मालूम है कौन बेचा उसको? उसकी अपनी माँ ने बेच दिया उसको। बेचारी शब्बो का तो दूर दूर तक कोई था ही नहीं, उन तीनों औरतों ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी तेरे लिए। तेरे को तो उनके पांव धो के पीना चाहिए, पर नहीं, तेरे को तो शर्म आता है ना? तू इतना समझती है कि काली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमो। आई डोंट नो मानव, आई डोंट नो अबाउट दिस शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट में और पैसा डाल के फ्रीज करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। देख सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी आल्सो। भैया अगर हम एक नई अप्रोच के साथ काम करें तो शायद। क्या क्या नया अप्रोच करेगा मानव? 2 years, 2 साल दे चुका हूं इस प्रोजेक्ट को, इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट। आई नो भैया, बट लेट मी ट्राई वंस, मैं एक बार अपने तरीके से काम करके देखता हूँ, अगर फिर भी नहीं होता
then we'll close it down. If you feel that way, okay. Thank you, bhaiya. Or yes, Tambi, I want you to be involved in this. Okay, bhaiya. Yes, it'll be nice to have you there. शायद आज तृप्ति के घर में शाम को पार्टी है और तुम उसको लेकर जाएगा। माँ, मैं चलता हूँ। माँ, मैं कोशिश करूँगा। कोशिश ना, तुमको उसको लेके जाना होगा, बस, ठीक है? ठीक है। कमल, कमल, कमल बच्ची दरवाजा खोल। कमल, खोल दे बेटा दरवाजा। पूरा रात दरवाजा नहीं खोला उसने। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि यार रब्बुल आलमीन मेरी बच्ची पर रहम करना, उसकी हिफाजत करना। मेरे को लगता था कि नाश्ते के टाइम तक तो दरवाजा खोल देगी, मगर कमल बेटा दरवाजा खोल। ठीक बोल। कमल, लगता है उसने कुटी खोली। खोला खोला। हाँ खोला। चल खोल। जॉब के लिए कम फॉर दैट। थैंक यू। कमल, यू कैन गो इन। ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं है। वो एक्चुअली सर आई खैर कोई बात नहीं, हमें इस पोस्ट के लिए ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिसे एटलीस्ट 2 साल का तजुर्बा हो। सर, इट्स ओके सर।